हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो हमारी मॉर्निंग बहुत अच्छी अच्छी हुई है बिकॉज पेट भर के हमने ब्रेकफास्ट किया है और आज भी हम लेट चल रहे हैं। वैसे तो मैं लेट होता नहीं हूँ बट यहाँ पे यू नो शेड्यूल ऐसा ही होता है हमेशा बिकॉज मैं अभी अपने ब्लॉग्स भी एडिट कर रहा हूँ, अपलोड भी कर रहा हूँ। बैठे रहना पड़ता है लैपटॉप लेकर बिकॉज यहाँ पे नेटवर्क का बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है। कोई नहीं, कपड़ों में भी सनस्क्रीन लग गया है, थोड़ा टैन नहीं होंगे मेरे कपड़े। सो यस, मैं क्या बोल रहा था, यहाँ पे नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, उसकी वजह से मैं सो नहीं पा रहा हूँ, मेरी नींद कंप्लीट नहीं हो रही है, लेट उठ रहा हूँ सुबह और फिर सारा शेड्यूल पूरे दिन का लेट हो रहा है। बट एनीवेज, अभी हम लोग जा रहे हैं डेरा सिटी सेंटर शॉपिंग करने के लिए। बट बिफोर स्टेपिंग आउट ऑफ द होटल मैं सनस्क्रीन भर भर के लगा रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे बहुत ही ज्यादा धूप और गर्मी है और मतलब यू नो ऐसा ग्रिल हो जाओगे अगर आप धूप में अगर बाहर गए ना, ग्रिल हो जाओगे पूरे के पूरे। इस बेटर मैं 3-4 लेयर लगाऊं सनस्क्रीन के भर भर के। और आज मैं यू नो एकदम नॉर्मल कपड़े ही पहन रहा हूँ। आई एम वेयरिंग अ ब्लैक टी शर्ट एंड डेनिम एंड अपने व्हाइट शूज। और वहां से आज मैं शॉपिंग करने का प्लान कर रहा हूँ, 2-3 पेयर ऑफ शूज लेने हैं मुझे। हबीबी, व्हेन यू कम टू दुबई प्लीज गेट योर सनस्क्रीन हबीबी, अदरवाइज यू विल गेट टैन हबीबी। ओके, सो अभी हम लोग डेरा सिटी सेंटर आ चुके हैं और जब हम कैब में बैठे हुए थे फुल एसी में थे और जैसे बाहर निकले ना ऐसा लगा कि मतलब किसी ने गर्म हवा ना फेंक के मारी हुई। आई थिंक ये लास्ट टाइम भी मैंने ब्लॉग में बोला होगा। बाप रे, इट्स सो हॉट राइट नाउ, बाप रे बाप। वापस एसी में आ गए हम लोग। आज यहाँ पे अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है। आई विल ट्राई जितना मुझसे होगा मैं आज ब्लॉग करूँगा यहाँ पर बिकॉज शॉपिंग भी करनी है। तो लेट्स सी, देखते हैं शॉपिंग के साथ साथ कितना ब्लॉगिंग होता है। बाय द वे, मुझे पता चला दैट डेरा सिटी सेंटर में यहाँ पे 1st and 2nd July को सेल लगा है यहाँ पे up to 90% ऑन एवरीथिंग। लाइक ऐसा है शायद से, मैं देख रहा हूँ कुछ कुछ स्टोर्स में वहाँ पे ऐसे क्रिएटिव्स लगे हैं 75% to 90% ऑफ, up to 90% ऑफ। तो बहुत सारा सेल भी चल रहा है। हाँ, लोग भी एकदम यू नो सेल में टूटे हैं सारी चीजें लेने के लिए। मैं बस देख रहा हूँ, मुझे ज्यादातर तो शूज ही लेना है तो क्लोथिंग के लिए मैं देखता हूँ। अब वैसे इंडिया से तो मैं लेकर आया हूँ अपने सारे क्लोथ, बट देखता हूँ यहाँ पे अगर कुछ अच्छा लग गया तो आई टेक देम, अदरवाइज मेन अपना फोकस रहेगा आज शूज परचेस करने का। ओके गाइस, सो राइट नाउ आई एम इन BBZ, इट्स इन डेरा सिटी सेंटर दुबई और यहाँ पर आना वर्थ है बिकॉज यहाँ पर एक से एक बड़े ब्रांड्स हैं, लाइक स्केचर्स है, प्यूमा है, वैंस है, बाकी जो ब्रांड्स बोलो नाइकी, रिबॉक, एडिडास, H&M ब्रांड इज हियर। एंड यहाँ पर मेंस, विमेंस और किड्स के लिए A to Z सारी चीज़ें हैं। मुझे तो शूज़ के लिए शॉप बहुत ही अच्छा लगा एंड मैं भी देख रहा हूँ मुझे अच्छे लगे हैं कुछ 2-3 शूज़, तो मैं साइज़ चेक करके मैं देखता हूँ। और यहाँ पर सारी ब्रांड्स पे भी डिस्काउंट लगा है, लाइक एज यू कैन सी ये 279 का है, 210 में मिल रहा है, देन यहाँ पे 279 का 210 में है, 229 का 172 दिरहम्स में मैं बोल रहा हूँ। एंड इफ़ यू वांट जस्ट यू नो इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके देख लीजिए कितना हो रहा है। और यहाँ पे ह्यूज सेल लगा है, अच्छे लगे मुझे यहाँ पे जूते दिख गए, नाइस स्केचर्स के जूते अच्छे लगे मुझे। ओके, हम चल चल के थक चुके हैं और अभी हमने लंच ब्रेक लिया है और हमारा लंच वगैरह सब हो गया है। वी हैड द रैप्स एंड फ्राइज और यहाँ पर रेस्टोरेंट में हमें कॉम्प्लीमेंट्री आइसक्रीम का एक बोल दिया है, चॉकलेट वनीला एंड स्ट्रॉबेरी। सो मैम, इट्स सो यम्मी एंड स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम इज ऑल्सो वेरी गुड, के अंदर स्ट्रॉबेरी के चंक्स आ रहे हैं एंड खट्टा मीठा टेस्ट आ रहा है स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम का। सो यस, अभी खाते फिनिश करते हैं और फिर वापस से कार्डियो। मुझे ये वाले शूज़ फाइनली पसंद आए इतनी देर के बाद और इसमें साइज़ नहीं है, सेल चल रहा है तो साइज़ नहीं है, जो यहाँ पे डिस्प्ले पे है वही लो, आ गया तो नसीब, नहीं आया तो गुड नाइट। ओके, सो राइट नाउ वी आर इन बाथ एंड बॉडी वर्क्स, यहाँ पे मिस्ट एंड कैंडल्स एंड बॉडी जेल, शावर जेल एंड लाइक क्या सेल चल रहा है यहाँ पे एंड लुक एट द पब्लिक, मतलब पूरा भरा पड़ा है यहाँ पे। भाई साहब, वाटरमेलन तो देखो, इतना साइज मैंने आज तक नहीं देखा, लुक एट द साइज।
क्या चाहिए? पॉपकॉर्न चाहिए, माइक्रोवेव वाले। डाइट कर रही है कि खाना खाइए सर? पॉपकॉर्न तो खा सकते हैं ना। ए गाइस अभी क्या हुआ? बैठ गया वहाँ पे। वहाँ पे एक स्टॉल लगा हुआ था डेट्स का, चॉकलेट वाले डेट्स, और अभी सेल चल रहा था, तो सेल में कुछ 3 packets 10 dirhams का मिल रहा था। एंड इसे खाना नहीं था, वो चाहिए नहीं था, तो वहाँ पे गई तो उसे वो टेस्टिंग के लिए दे दिया। तो शिवा सिंह नहीं खाना नहीं खाते, तो उन्होंने एक लेडी थी वहाँ पे, उन्होंने उसको चिपका दिया कि अब खाओ। तो फिर इसको फिर इसने टेस्ट किया तो उसको शर्म के मारे फिर एक पैकेट लेना पड़ा, बिकॉज इसको लेना नहीं था, और फिर भी उसने लिया। ओके सो वी आर डन विद द शॉपिंग एंड अभी हम लोग जा रहे हैं होटल, और अभी देर फ्रेशन अप, पैर दुख रहे हैं, अभी टैक्सी मिल नहीं रही यहाँ से, अभी हमें जाना पड़ेगा पिकअप पॉइंट पे, वहीं से हमें टैक्सी मिलेगी, तो चलो चलते हैं वापस, बहुत चलना पड़ेगा यहाँ से। अभी मॉम ने एप्पल काटा एंड मॉम बोल रही थी हमें कि राजन सुनो आप लोग एप्पल खा लो, तो मैंने मॉम को सैवेज रिप्लाई दिया कि मॉम हमने इतनी मेहनत की है कि अब हम एप्पल पहनते और आप खाने की बात करते हो। ओ लाइट कम है रूम में। ओके सो मुझे बैठे बैठे रूम में बहुत कंटाला आ रहा था, तो मैंने सोचा चलो यार कुछ करते हैं टाइम पास, तो मुझे एक कॉफ़ी मशीन मिल गया, सो आई एम लाइक कि चलो कॉफ़ी बनाते हैं, कुछ टाइम पास भी हो जाएगा एंड एक्सपेरिमेंट भी कर लेंगे किसी चीज़ का। सो यहाँ पर मेरे पास 3 options है, 1 is espresso, लॉन्ग एंड डी कैफ। ओके सो जो लॉन्ग है मुझे पता नहीं था इसके बारे में, सो इसे एज अ लुंगो भी प्रोनाउंस करते हैं, सो आई गूगल अबाउट इट एंड आई केम टू नो दैट लुंगो इज अ कॉफी बेवरेज मेड बाय यूजिंग एन एस्प्रेसो मशीन टू मेक एन इटालियन स्टाइल कॉफी शॉर्ट ब्लैक अ सिंगल एस्प्रेसो शॉर्ट विथ मोर वाटर जनरली ट्वाइस एज मच रिजल्टिंग इन अ लार्जर कॉफी अ लुंगो। ओके सो कुछ नया आज जानने मिला ट्रैवल करते करते, तो अभी आई डोंट नो हाउ टू ऑपरेट दिस बट विल डू समथिंग जिससे कॉफ़ी बन जाए। सो यहाँ पर ये पीछे इसका कंटेनर है, उसके अंदर पानी फिल कर दूंगा मैं पहले। ओके सो अभी मैं ये लॉन्ग लुंगो कॉफ़ी बना रहा हूँ, सो आई थिंक इसे यहाँ पे ऐसे डालना होगा, देखते हैं क्या बनता है। ये तो कुछ हुआ ही नहीं, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा लगता है। ओ ये बाहर भी आता है, गरम गरम पानी गिरा। ओके गाइस अभी थोड़ी देर पहले हम लोग डिनर करने के लिए गए थे एंड वी हैड अनलिमिटेड थाली, और बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही यमी फूड था, और भर भर के आम रस और पूरी खाई है, कढ़ी दाल राजस्थानी दाल और कितना सब खाया, लच्छा पराठा खाया, पूरी खाया, रोटी खाया, एंड फिर स्वीट्स में हमने खाया मूंग दाल का हलवा, जलेबी, रबड़ी, तो बाप रे बाप ओवर ईटिंग हो गया है। और बस उसके बाद हम लोग गए थे लामेर, वहाँ पर चाय पी हमने एंड इट वॉज लाइक सेफ्रन टी, बहुत ही यमी आती है। सो बस चाय वाय पिया हमने और फिर वापस होटल आ चुके हैं। राइट नाउ इट्स ऑलमोस्ट व्हाट्स द टाइम, आई थिंक इट्स 2:15 और समथिंग, और मैं बहुत ही थक चुका हूँ, अभी पूरा दिन चल चल के हालत ख़राब हो गई है। एंड मैंने थोड़ा बहुत शॉपिंग भी किया वहाँ से, अभी मैं कुछ दिखा नहीं रहा, आगे के ब्लॉग्स में मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि क्या क्या लिया मैंने वहाँ से। एंड बस अभी बहुत नींद आ रही है, बट कल का व्लॉग जो है वो एडिट नहीं हो पाया है, और मैं बस सोच रहा हूँ कि अभी वो एडिट करके ही सो जाऊँ, भले थोड़ा लेट हो बट मैं एडिट करके सो जाऊँ, बिकॉज सुबह एडिट होके अपलोड करने के लिए यू नो जब रखता हूँ तो वो होता नहीं है, फिर अपलोड नहीं होता वीडियो टाइम पे। सो आई जस्ट थॉट अभी एडिट कर लेता हूँ, अभी अपलोड के लिए रख देता हूँ, ताकि सुबह तक तो एटलीस्ट हो ही जाएगा अपलोड। सो यस नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कल का ऐसा कुछ प्लान नहीं है, तो कल में भी ऐसा कुछ हम करने भी नहीं वाले, होटल में ही रहेंगे, देखते हैं अगर कुछ हुआ तो मैं डेफिनेटली व्लॉग बनाऊंगा उसका। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग एंड आई होप आपको ये दुबई के डेली व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे, एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ऑल योर लव एंड योर सपोर्ट, एंड इफ यू गाइस लाइक दिस वन देन प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। लव यू गाइज, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अ बिग हग फ्रॉम दुबई।